ये जो चीजें होती हैं ये ऐसे कैजुअली नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? कि भैया सबसे पहले मैं एक कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, बहुत सारे और हैं। तो अगर हम इस बात को सीरियसली कहना चाहते हैं तो ये डिस्कशन हम अपनी मैनिफेस्टो कमिटीज में करते हैं और उसको सीरियसली असेस करते हैं, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस असेस करते हैं, उसके दूसरे इंप्लीकेशंस असेस करते हैं और फिर उस पर निर्णय लेते हैं। मैं यहां कह सकता हूं हां करेंगे ना करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा वो हमारा डिसीजन होगा और वो गारंटी करके हम करेंगे। जैसे हमने न्याय योजना के बारे में कहा था, हमने अलग अलग स्टेट्स में कर्जा माफी की बात की थी, जब हमारे मैनिफेस्टो में आ जाता है वो होगा ही होगा, ठीक है? तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है, बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता, उसको डायरेक्टली खाद के प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। वो जो तीन किसान की काले कानून थे वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, वो पॉलिसीज नहीं है, ठीक है? तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं। एमएसपी बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे और उस पर हम निर्णय लेंगे। मगर मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों के बारे में फ्लिपेंटली नहीं बोल सकता। मैं सीरियस आदमी हूं, मैं अगर मेरे मुंह से कुछ निकलता है तो क्रेडिबली निकलना चाहिए, सच्चाई निकलना जवान चाहिए। की नहीं बेरोजगारी की बात सप्लीमेंटरी कर रहे नहीं, हैं नहीं नहीं सर, एक सेकंड, सॉरी, जवान की बात करता बेरोजगारी हूं, जवान की बात। की बात बहुत ज्यादा है, जिस स्टेट में आप बैठे सर हैं आंकड़ों के माफ हिसाब से कीजिएगा, टॉपर नो है, सप्लीमेंटरी प्लीज, टॉपर। नो सप्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी नहीं, नहीं प्लीज, प्लीज। एक हाँ, सेकंड जवान के बारे में मैं आपको बताता जी, हूं। आपके जवाब दिया इन्होंने, एक बस एक सेकंड सर, आप कहते हैं कि कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई मेडिकल करता है, आईएएस करना चाहते हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं कितनी जॉब्स हैं। तो आपके पास क्या ऐसा रोड मैप है? हमारे देश में हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं, सरकारी और प्राइवेट नौकरी में, ऐसा कौन सा रोड मैप होगा कि हम उनको सेट कर देखिए, पाए? देखिए ये देश अपने युवाओं से झूठ बोल रहा है, ठीक है? झूठ क्या है? मैं अब 3,000 किलोमीटर चला हूं, युवाओं से मैं पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? 5 जवाब मिलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? और सारे के सारे, मतलब हजारों बच्चों ने मुझे ये 5 जवाब दिए हैं। रियलिटी ये है कि इनमें से 10% को, 15% को, ज्यादा से ज्यादा 10% भी मुश्किल है, 10% को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ये जॉब्स मिल जाएंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। तो इन सबके सपने टूटेंगे। मेरे पास एक बच्ची आई, कहती है मैं आईएएस में जाना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, आईएएस में हर साल कितने लोग जाते हैं? मुझे कहती है 5 लाख लोग जाते हैं। मैंने उसको कहा नहीं बेटा, 5 लाख लोग नहीं जाते हैं, 150 लोग जाते हैं। रोने लग गई। तो ये झूठ, ये देश अपने बच्चों से, अपने भविष्य से झूठ बोल रहा है और ये इनका दिल तोड़ेगा। हर रोज इनका दिल टूटता है, इनके सपने टूटते हैं। क्यों टूटते हैं?
क्योंकि जो रोजगार, जो लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं उनकी हम मदद नहीं करते हैं, उनकी हम प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं सोचते। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार अगर आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जाल बिछाओगे, रोजगार वहां से आएगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और रिस्पेक्टेबल रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, और कोई शब्द ही नहीं है, डिस्ट्रॉय किया गया है, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और कोविड के समय जो किया, वो दूसरे लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे वो नाम बता दीजिए जो छोटी कंपनी चलाता हो, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री चलाता हो, जो आज लाखों करोड़ का मालिक हो गया है, नाम बता दो मुझे। आप ये होंडा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था, ये टोयोटा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। आप मुझे मैकेनिक का नाम दे दो जो इस देश में बड़ा उद्योगपति बन गया है, बताओ, नहीं है। तो जो रोजगार दे सकते हैं, जो सपने पूरे कर सकते हैं, उनको, उनकी हत्या हो रही है। तो रोड मैप क्या है? रोड मैप यह है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बेस है हिंदुस्तान की, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए, और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इनको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करके इनमें से 5-10% को बड़े बिजनेसेस बना जाए। ये दूसरा रोड मैप है। तीसरा रोड मैप है कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है, ये सिर्फ 5 चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 5 रास्ते दिखा रहा है। इस देश में लाखों रास्ते हैं। जिस दिन ये देश स्किल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर जाए, उस दिन ये देश सच्चा सुपर पावर बन जाएगा। उस दिन तक ये सब खोखला है। इस देश में स्किल्स जो होती हैं, चाहे वो बढ़ई की हो, चाहे वो मैकेनिक की हो, किसी की भी हो, चाहे वो किसान की हो, उसको, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो ये क्या कर रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन ये देश चाइना का मुकाबला कर जाएगा और यहां पे मेड इन इंडिया सब जगह दिखना शुरू हो जाएगा। वो रोड मैप है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। हमारे पास सिर्फ 10-12 मिनट है, सवाल संक्षिप्त में कीजिएगा और फिर से गुजारिश करूंगा, सप्लीमेंट्री मत पूछिएगा प्लीज, ये रैपिड फायर होना है, कई लोग को मौका देना चाहता हूं मैं। सत्य खबर से सत्य सिंह सर, नमस्ते सर। पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पहले डिफेंस मोड में रहती थी, अब अटैकिंग मोड में है। हर जगह पे जवाब दिया जा रहा है, आपकी टीम ये अच्छा काम कर रही है। पर मैं हरियाणा के संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो सेंटर से ही सवाल रहता है। अभी पीछे राज्यसभा का चुनाव था, अजय माकन जी ने चुनाव लड़ा था, उस समय में एक क्रॉस वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के पास वोट पूरे थे, उसके बावजूद कांग्रेस अपना राज्यसभा का सदस्य नहीं भेज पाई थी। उस पे ना आज तक कोई जांच की बात आई है और ना अभी तक उस पे कोई कार्रवाई जैसी बात है। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार के मुद्दों पर भी, जिस प्रकार से देखिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल फेस बनाने की बात करें, कांग्रेस का जबरदस्त फेस होता जा रहा है, क्या ऐसे मुद्दों पर भी पार्टी में चर्चा होती है? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे राहुल गांधी, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देश के युवाओं से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक स्किल पर काम नहीं होगा, तब तक हम पड़ोसी देश से मुकाबला नहीं कर सकते हैं।